गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज मैं आपको बायोकेमिस्ट्री, उसका स्कोप, मेडिसिन में उसकी इम्पोर्टेंस और एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंस बताने चला हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज इमेंस एंड इंडिस्पेंसेबल इन अवर डेली लाइफ एक्टिविटीज। बायोकेमिस्ट्री के बगैर आप बिल्कुल अपाहिज हो। यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, आप जो क्लिनिकल डायग्नोज करता है डॉक्टर बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के बगैर, वो अपाहिज है। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं उसमें ये मददगार है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस में, दवाइयों में ये है, न्यूट्रिशन में है और एग्रीकल्चर में। स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स वन अंडरस्टैंड द एक्चुअल केमिकल कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। तो है तो ये अप्लाइड साइंसेस, क्योंकि तो निकली है बायोलॉजी से। तो बायोकेमिस्ट्री जो है, जो जैविक रसायन विज्ञान, ये अंडरस्टैंड करने की हमें मदद करता है। एक्चुअल केमिकल कंसेप्ट क्या है बायोलॉजी के, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी प्रोसेस एंड फिजियोलॉजी, काम करने का, बायोमोलिकुल्स का, फंक्शनिंग का, इसके बारे में सारा बताया जाता है। बायोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्योर साइंस जो है केमिस्ट्री की ये ब्रांच है। तो दैट इज कंसर्न अबाउट द इंटरनल केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एनिमल एंड प्लांट्स। जो हमारी इंटरनल केमिस्ट्री चल रही है बायोकेमिस्ट्री, एक बंदा डिप्रेस्ड है, नेचुरली उसके शरीर में कुछ बायोकेमिकल्स कम होते हैं, अगर एंटी डिप्रेसेंट देते हैं तो वो बढ़ते हैं। तो नेचुरली एनिमल्स के अंदर के बायोलॉजिकल सिस्टम, उनकी इंटरनल केमिस्ट्री, जंतु और फ्लोरा एंड फौना में हमें मदद मिलती है। सिंस इट इज कंसर्न अबाउट द इंटरनल केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी सिस्टम ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दिस इज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो दोस्तों, वन कैन स्टडी बायोकेमिस्ट्री एज ए पार्ट ऑफ ग्रेजुएशन, वो बीएससी बायोकेमिस्ट्री कर सकता है, या लेटर ऑन जो अलाइड हेल्थ साइंसेज का बंदा है वो पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकता है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री भी कर सकता है। बीएससी नर्सिंग लड़कियां कर सकती हैं, बीएमएस कर सकता है, बीएचएमएस कर सकता है, कोई भी अलाइड हेल्थ का ग्रेजुएट, इवन बीएससी जो जिसने पीसीबी से की है वो भी कर सकता है। तो बायोकेमिस्ट्री है क्या? ये डील करती है एंजाइम्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, अमीनो एसिड को, फैट्स को, प्रोटीन्स को, हार्मोन्स को, डीएनए आरएनए को, पिगमेंट्स को। तो ये ओरिजिन, फॉर्मेशन, फंक्शन, डेफिशिएंसी, सिम्टम्स के बारे में भी बताती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में बताती है। मगर बताती है तो केमिकल रिएक्शन हैपनिंग एट द मॉलिकुलर लेवल, अणु के लेवल पे सभी बताती है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन मेडिसिन क्या है? ये फिजियोलॉजी यानी कि काम, जो शरीर के अंग काम करते हैं उसमें इसकी इंपॉर्टेंस है। पैथोलॉजी जो कि बेस्ड ऑन द सिम्टम डिस्क्राइब बाय द पेशेंट, द फिजिशियन कैन गेट ए क्ल्यू ऑन द बायोकेमिकल चेंज एंड एसोसिएटेड डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पेशेंट कंप्लेन अबाउट स्टिफनेस इन स्मॉल ज्वाइंट, देन फिजिशियन मे प्रेडिक्ट इट टू बी गाउट, यानी कि इसका यूरिक एसिड बढ़ा होगा। यूरिक एसिड क्या है? यानी कि आप यूरिक एसिड टेस्ट कराते हो तो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है। तो नेचुरली ऐसे ही अगर आप लीवर के टेस्ट कराते हो तो लीवर फंक्शन टेस्ट है, जिसमें सीरम बिलीरुबिन है, जिसमें एसजीओटी एंजाइम, एसजीपीटी, ये एल्बुमिन ग्लोबुलिन के बारे में। ये टेस्ट क्या है? लीवर फंक्शन टेस्ट, ये बेसिकली बायोकेमिकल टेस्ट है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई प्रेजेंट सिनेरियो में, मेनी पीपल रिलाई ऑन टेकिंग मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर बेटर हेल्थ। फंक्शन एंड रोल ऑफ विटामिन द बॉडी डिस्कवर ओनली बाय बायोकेमिस्ट्री। विटामिन यानी कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, इवन एमआर है, वो भी मैं चाहूंगा कि वो बी फार्म या बीएससी करने के बाद रुके ना, वो इस दरली लाइन में आए। हार्मोनल डेफिशिएंसी है, देयर आर मेनी डिसऑर्डर ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस इन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। द फॉर्मेशन रोल ऑफ हार्मोन्स इन नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज टॉट इन द बायोकेमिस्ट्री बाय विच द फिजिशियन कैन अंडरस्टैंड द कंसर्न प्रॉब्लम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। लड़की के मुंह पे बाल आते हैं जिसको हिरोटिज्म कहते हैं, तो क्यों आते हैं? वो मोटी हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, उसको मोटापा हो जाता है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, या हार्मोनल चेंजेस हैं, उसके मेंसेस जो है पेनफुल है, डिसमेनोरिया है, या उसके मेंसेस ओलिगो है कम आते हैं, या पॉलीमिनोरिया है बार बार आते हैं और उसका भार बढ़ रहा है, फेस पे बाल आ रहे हैं, शरीर के बाल आ रहे हैं, पीसीओडी हो रही है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो रही है। ये सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री आपको समझाएगी, आपको समझाएगी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को समझाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, नर्सिंग में क्या है? किडनी फंक्शन टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल इन किडनी डिसऑर्डर, अदर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, यूरिन हेल्थ टेस्ट हेल्प अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स और अदर मेटाबोलाइट, द चेंज इन पीएच, द कलर ऑफ यूरिन। ये नर्स समझेगी तो और कौन नहीं समझेगा। ब्लड टेस्ट है इन डायबिटीज, बायोकेमिकल एनालिटिक टेस्ट पर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि डायबिटीज का डिसऑर्डर कितना बढ़ गया है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में हो गया, सीरम कोलेस्ट्रोल में हो गया, एचडीएल एलडीएल में हो गया, रेशियो में हो गया। इनके इंपॉर्टेंस बायोकेमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, इसकी इंपॉर्टेंस सेरिकल्चर में है, फिशरी में है, पोल्ट्री में है, बी कीपिंग में है, इसको
को जानने के बाद हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को और अपनी ईल्ड को, झाड़ को फसल के बढ़ा सकते हैं। इनहांस ग्रोथ, बायोकेमिस्ट्री गिव्स एन आइडिया हाउ द फर्टिलाइजर कैन इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, देयर ईल्ड, क्वालिटी ऑफ फूड। तो कैसे झाड़ हम ज्यादा लें फसलों से, कैसे ईल्ड ज्यादा रहे, हार्मोन प्रमोट ग्रोथ करते हैं, हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। अडल्ट्रेशन, यानी कि अडल्ट्रेशन का महकमा भी जो है उसमें भी आप इंस्पेक्टर लग सकते हो, FCI में या दूसरे अदारों में, जिसमें आप फूड अडल्ट्रेशन को चेक कर सकते हो बायोकेमिकल टेस्ट से। हनी को टेस्ट कर सकते हो, किसी ने अल्टर किया है फूड मटेरियल को, वो बायोकेमिकल टेस्ट इज द पेस्टिसाइड रेजिड्यू और अदर टॉक्सिक वेस्ट इन प्लांट, फूड ग्रेन एंड सॉइल कैन बी एवेल्युएटेड। आप सॉइल की केमिस्ट्री जान सकते हो। दुबई में बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो मेरे को फोन करते हैं, लैब टेक्नीशियन है, तो मैंने पूछता है भी आपके पास तो ना प्लस टू थी, वो भी आर्ट्स की, आप कैसे चले गए? वो कहते हैं हम सर सीमेंट का जो है वो कंक्रीट का हम इंचार्ज हैं, उसके टेक्निकल नाउ हाउ एक्सपीरियंस से हम आ गए। तो कंक्रीट के भी टेस्टिंग की लैब्स होती हैं, जरूरी नहीं होता कि ये बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल स्पेसिमन ही हो, सीमन का या ब्लड का या सीरम का या ये स्पूटम का। तो दोस्तों उधर कंक्रीट का भी क्वालिटी चेक होता है। इन एनिमल हस्बेंड्री द क्वालिटी ऑफ मिल्क कैन बी चेक बाय बायोकेमिकल टेस्ट, कितना फैट है, क्या कंडीशन है एनिमल्स की, डिजीज कंडीशन क्या है बर्ड्स की। इन फिशरी तो द वाटर क्वालिटी रेगुलरली मॉनिटर्ड बाय बायोकेमिकल टेस्ट, एनी ड्रेस्टिक चेंज इन वाटर केमिस्ट्री एंड कंपोजिशन ऑफ फिशरी पूंस कैन लेड टू वास्ट डेथ ऑफ द फिश एंड प्रॉन, प्रॉन मर जाएंगे अगर केमिस्ट्री चेंज हुई, क्योंकि हेंस द टेस्ट आर डन रेगुलरली टू सी सॉल्ट कंटेंट, कैल्शियम कंटेंट, पीएच, एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट ड्यू टू चेंजिंग वाटर फॉर लॉन्ग। तो बहुत कुछ, इवन एक्वेरियम में भी बायोकेमिस्ट्री वर्क करती है जो घर में रखा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन न्यूट्रिशन, फूड केमिस्ट्री गिव्स एन आइडिया व्हाट वी ईट, इट इज अ कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड आर पॉसिबल फिजियोलॉजिकल ऑल्टरेशन ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। ये फूड केमिस्ट्री हो गई, यानी कि फूड प्रोसेसिंग के साथ, फूड प्रिजर्वेशन के साथ इसका सीधा संबंध है। तो फूड इंडस्ट्री में भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत स्कोप है, जैसे MSc माइक्रो का स्कोप है, ऐसे ही MSc बायोकेमिस्ट्री का है। अगर आपने ये PhD तक ले गए तो नेचुरली आप मेडिकल कॉलेज में भी एज ए टीचर लग सकते हो, चाहे आप नॉन मेडिको होगे, नॉन मेडिको तो आप ट्रू सेंस में नहीं हो, मगर IIM में कहते हैं आप नॉन मेडिको, आप BSc नर्सिंग से आए, आप BPT से आए, आप BMS से आए, आप BHMS से आए, तो नेचुरली अगर आप बायोकेमिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट बन गए तो वो आपको नॉन मेडिको जरूर कहते हैं। तो इसमें ब्याज करने की कोई टेंशन नहीं है। नॉन मेडिको इसलिए कहते हैं कि ये MBBS डॉक्टर नहीं है। तो भला भाई, हम आज मैंने पहले भी टॉपिक बताया था कि MD MS जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के हैं, 139 और 38 सीट्स है, पंजाब में खाली पड़ी है, पूरे इंडिया में खाली पड़ी है। कोई भी बच्चा नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट चूज नहीं करना चाहता, वो कहता है कि मेरा टाइम लगेगा, मेरे को कुछ फायदा नहीं है, मैं टीचर ही लगूंगा। नेचुरली एक बंदे की डिसएडवांटेज दूसरे की एडवांटेज बनती है, जैसे कि यूपी के लोग बहुत पंजाब को पलायन कर रहे हैं, पंजाब को पलायन वो कर रहे हैं इसको फॉरेन कंट्री समझ के, और इधर पंजाब के लोग कनाडा को जा रहे हैं इनको पलायन पलायन करके, ये उधर जा रहे हैं तो इनकी रीशफलिंग हो रही है, यानी कि जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा उसकी जगह लेने चाहती है। तो जैसे लॉ ऑफ नेचर, तो माइग्रेशन तो बर्ड्स में भी होती है, फिश में भी होती है, ऐसे बंदों में भी हो रही है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे आएगी जब तक चेंज ही नहीं होगा? चेंज तभी होगा जब अडेप्टेड हो गए आप, अडेप्टेड हो गए चेंज ऑफ एनवायरमेंट होगा, नेचुरली नए नए ऑल्ट्रेशन आएंगे। वेरिएशन इज द फर्स्ट सीड फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हो ही नहीं सकती जब तक वेरिएशन ना हो। अगर बाप से बेटा जुदा नहीं होगा, अगर वही घिसी पिटी स्पीड से चलेगा और डाइवर्सिटी नहीं शो करेगा, तो नेचुरली वो हाइब्रिड नहीं बनेगा, फुर्तीला नहीं पड़ेगा, वर्सेटाइल नहीं होगा, डायनेमिक्स नहीं उसके अंदर आएगी, और वो अडेप्टेड नहीं होगा नए चेंज एनवायरमेंट के साथ, क्योंकि देर इज स्ट्रगल गोइंग ऑन फॉर मेट, तो स्पेस एंड फूड, ये तीन चीजें तो सीमित है दुनिया में, रिसोर्सेज सीमित है, वी हैव टू चेंज। और अगर किसी एवोल्यूशन में कोला नहीं पड़ता, फ्यूल नहीं पड़ती वेरिएशन की, तो नेचुरली एवोल्यूशन का चक्का जाम हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, तो इसको ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन में, हाफ लाइफ में, ड्रग स्टोरेज में, ड्रग मेटाबॉलिज्म में, बायोकेमिकल्स में इसको यूज में लाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन प्लांट, दोस्तों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, बेसिकली प्लांट्स आर द लिविंग ग्रीन फाउंटेन्स ऑफ गॉड गिविंग आउट ग्रीनरी। तो जमीन से पानी खींचते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दोनों को बाइंड करते हैं क्लोरोफिल के मतलब से, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और हमें जीवन देते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, हम उसी वजह से बचे हुए हैं। और ये बड़ी, सबसे बड़ी फोटोसिंथेटिक बायोकेमिस्ट्री रिएक्शन है। उसके बाद हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, ATP कैसे मिलती है? नेचुरली जब हम इसको रेस्पिरेशन करेंगे, व्हेन रेस्पायर करेंगे, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगी और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। डिफरेंट शुगर के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में पढ़ते हैं, और अदर फंक्शन जैसे प्लांट सेल प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने बीएससी या एमएससी बायोकेमिस्ट्री करनी है, बीएससी नर्सिंग हो या अलाइड हेल्थ में आप ग्रेजुएट हो, तो मेरे को एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। जिंदगी में आपको दिशा देनी बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है, हम वेस्ट करते हैं मोबाइल के ऊपर, गलत थिंकिंग पे, पॉर्न साइट्स देख के। अपनी एनर्जी को यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम चांस है, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। इसकी इंटेलिजेंस आपको नहीं मिलेगी, इतना आईक्यू नहीं मिलेगा आपको, जित आप जानवरों से सबसे ऊपर है, पैक्स है पैरामिड के। अगर आपने एक चांस गवा दिया तो दोबारा शायद आप ह्यूमन बीइंग के बेस में दोबारा ना आ पाओ। तो दोस्तों मेरे को जुनून है यूट्यूबर के रूप में आप तक पहुंचाने का। ये नहीं कि बिजनेस है, बिजनेस भी है यूट्यूबर पे आने का, साथ में एक पैशन है कि आप तक मैं पहुंच सकूं। जैसे मोदी जी हैं वो एक आइकन बन के उभरे हैं, जैसे विवेक ओबरॉय है आइकन है, शाहरुख खान आइकन है, ऐसे ही हम देख रहे हैं कि वरुण धवन वो भी आने वाले टाइम में आइकन बन रहा है। मैं चाहता हूँ क्यों ना कुछ कंस्ट्रक्टिव किया जाए, एजुकेशन की अवेयरनेस की जाए, मगर वो एवेंचुअल हो, ग्राउंड लेवल पे उसकी कोई कैलकुलेशन एवेल्युएशन होती हो, जो कि लोगों तक, अपने लोगों तक, जो कि अगर आपका घर अच्छा है तो नेचुरली कलेक्शन ऑफ हाउसेज मेक मोहल्ला, एंड मोहल्ला कलेक्शन मेक्स यू ए गुड सिटी, एंड कलेक्शन ऑफ सिटी मेक्स ए गुड कंट्री। तो दोस्तों ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में डेवलपिंग टैग खत्म हो, डेवलप कंट्री में टैग के नीचे चले, वो तो तभी हो सकता है अगर एजुकेटर, टीचर, टीचर गुरु को ऊपर आना होगा। माता पिता तो अच्छे होने ही चाहिए, गुरु सरस्वती होती है और सरस्वती ही लक्ष्मी लेके आती है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। फोन नंबर है 9872468540। धन्यवाद दोस्तों।